हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर एक नया फीचर आ रखा है सेलबैक का, जिसमें आप अपने पुराने जो स्मार्टफोन है उसको बेचकर आप पैसा कमा सकते हो या फिर उसे बेचकर नया स्मार्टफोन भी ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ को करते वक्त काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। किसी के पास जो स्मार्टफोन का है वो पैसा आ नहीं पाता है, और किसी के पास पैसा आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और किसी किसी के तो जो स्मार्टफोन का जो पैसा मिलना चाहिए था, जिस जो कीमत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ स्टेप बताने वाला हूँ जिसका अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके स्मार्टफोन को बेचने पर जो अकाउंट में पैसा आने वाला होता है या फिर फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कूपन मिलने वाला होता है वो उसी कीमत का मिलेगा या उतने पैसे आएंगे जितने कि आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जो भी स्मार्टफोन आप सेल करना चाहते हैं उसका जो है मॉडल नंबर आपको सिलेक्ट कर लेना है सेलबैक पर जाकर। उसके बाद आपको उस स्मार्टफोन की कीमत पता चल जाएगी कि इतने रुपए आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से मिल जाएंगे अगर आप ये जो स्मार्टफोन है सेल करते हो फ्लिपकार्ट को। उसके बाद आपको ये करना होगा कि आगे बढ़ने पर आपको IMEI नंबर डालना होता है उसी स्मार्टफोन का जिसको कि आप बेचना चाहते हो। किसी और मोबाइल का स्मार्टफोन का आप IMEI नंबर नहीं डाल सकते हो, और जो नंबर आप डालोगे वो सही होना चाहिए। वो वेरीफाई करने के बाद ही फ्लिपकार्ट आगे प्रोसेस की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपको कितना रुपये मिल सकता है और ये जो पैसा आपको मिलने वाला है आप इसे किस तरह से पाना चाहते हो। आप चाहो तो इसे बैंक अकाउंट में भी पा सकते हो या फिर चाहो तो फ्लिपकार्ट का एक गिफ्ट कूपन आता है वो भी ले सकते हो। मेन प्रॉब्लम आपको यहीं पर होती है। यहाँ पर अगर आप बैंक अकाउंट की डिटेल भरते हो तो वहाँ पर आपको अच्छे से एक एक डिटेल अच्छे से भरनी है। आपका जो बैंक अकाउंट का IFSC कोड है, अकाउंट होल्डर का नाम और अकाउंट नंबर, वो चीज़ें अगर आप अच्छे से नहीं भर पाते हो या फिर कहीं पर भी थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आना होता है वो नहीं आ पाता है या फिर कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं कि डिले हो जाता है। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है, सबसे मेन स्टेप होता है कि आपको अपने अकाउंट की जो डिटेल देनी होती है वो काफ़ी अच्छे से डिटेल दो, और आप उसी आईडी से या फिर फ्लिपकार्ट पर जिस भी आईडी से आप मंगा रहे हो उसी आईडी से आप ऑर्डर करना जिसका आपको मोबाइल नंबर पता है और जो जीमेल आईडी आपने फ्लिपकार्ट पर दे रखी है वो उसके बारे में पता है। बिना उसके जानकारी के आप हर किसी आईडी से स्मार्टफोन को मत बेचना, क्योंकि जो फ्लिपकार्ट का जो गिफ्ट कूपन आता है वो जहाँ तक है ईमेल आईडी पर ही आता है। अगर आपकी ईमेल आईडी अच्छी सही नहीं होगी या फिर आपको उसका पासवर्ड पता नहीं होगा तो हो सकता है आपका जो गिफ्ट कूपन आने वाला होता है उसका नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ध्यान रखना होता है। उसके बाद वो सब फिलअप करने के बाद आपको जो एड्रेस है वो देना होगा कि किस एड्रेस से आपका जो स्मार्टफोन है पिकअप किया जाएगा। ये सब वेरीफाई होने के बाद आपके पास एक कुरियर बॉय आएगा, उसके हाथ में एक छोटा सा एक लिफाफा होगा या फिर छोटा सा पार्सल होगा जिसके अंदर एक छोटा सा कार्ड होता है फ्लिपकार्ट की तरफ से, वो इतना ज़रूरी नहीं होता है। उसके बाद जो कुरियर बॉय होता है वो आपके स्मार्टफोन को अच्छे से चेक करेगा कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं आ रहा या फिर कोई चीज़ अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। वो सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद ही आपको जो स्मार्टफोन है वो पिकअप करेगा। लेकिन उससे पहले आपको उस कुरियर बॉय से यह पूछ लेना है कि जो स्मार्टफोन की वैल्यू फ्लिपकार्ट की तरफ से मुझे बताई गई थी वही वैल्यू इसमें मिलने वाली है या फिर थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको कंफर्म कर लेनी है, क्योंकि अगर थोड़ा से भी आपके स्मार्टफोन में कोई दिक्कत होगी, स्क्रैच होगा या फिर आपका जो स्मार्टफोन का चार्जर है वो नहीं दे रहे हो आप उस स्मार्टफोन के साथ, तो फिर आपके जो स्मार्टफोन की जो वैल्यू मिलने वाली है, जो कीमत मिलने वाली है वो कहीं कम हो सकती है और फ्लिपकार्ट की तरफ से थोड़ा बहुत आपकी जो स्मार्टफोन की प्राइस है वो थोड़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको कंफर्म कर लेनी है और पता कर लेना कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आपको कितना रुपए मिलने वाला है। अगर कुछ ज़्यादा कम मिल रहा है तो आप उसी वक्त चाहो तो उस चीज़ को कैंसिल कर सकते हो, आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा और कुरियर बॉय रिटर्न चला जाएगा और आपका स्मार्टफोन आपके पास ही रह जाएगा। अगर आपको उतनी कीमत मिल रही है जितनी कि फ्लिपकार्ट की तरफ से बताया गया है तो आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो और उसे कह सकते हो कि ओके ठीक है, मैं ये स्मार्टफोन सेल करने को तैयार हूँ। फिर आपका जो स्मार्टफोन है वो लेके चला जाएगा, वेरीफाई कर देगा और उसके बाद आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा कंफर्मेशन का, और कुछ ही टाइम बाद सेम डे में आपको अगर बैंक अकाउंट दिया तो बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अगर आपने फ्लिपकार्ट गिफ्ट कूपन के लिए अप्लाई किया तो गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा उतने रुपए का जितने रुपए की आपके स्मार्टफोन की कीमत थी। अगर ऐसा 24 घंटे के अंदर आपके पास किसी भी तरह से पैसा नहीं आता है उस स्मार्टफोन का तो आप जाके फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और उनको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो ताकि आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है आपको बार बार इसी तरह से ट्राई करते रहना, कस्टमर केयर पर बात करती रहनी है ताकि आपको जो पैसा मिलने वाला था वो मिल जाए और इस तरह से आप अपने पुराने स्मार्टफोन को सेल कर सकते हो फ्लिपकार्ट के ऊपर।
और उसी तरह से मैंने भी सेल किया था। और वैसे काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी, हो सकता कि अब ये वीडियो देखने के बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।